हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो उन वेली भाइयों के लिए लेके आए हैं जो बोलता है कि सीएससी बेकार है, या फिर कुछ वेली बोलता है कि सीएससी से मैं पर डे 2,000 कमा लेता हूँ। उन दोनों वेली भाइयों के लिए ये वीडियो लेके आए हैं। जैसे कि थंबनेल ने आपने देखा, महीने में कितना इनकम होगा सीएससी में, सब कुछ देखे यहाँ। एक महीने का इनकम झांसे में ना रहे, तो पूरी डिटेल्स में बताएंगे और साफ साफ बताएंगे क्या करना चाहिए अगर आपको सीएससी आपका सीएससी सेंटर नहीं चल रहा है, या फिर जो कोई बता रहा है कि सीएससी बेकार है। तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, इसमें आपको सभी जानकारी देंगे और जो सही है वही जानकारी देंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं उन वेली भाइयों के लिए जो बोलते हैं कि इनकम नहीं है, सीएससी बेकार है। तो देखिए, ऐसा कुछ नहीं है। सीएससी एक बहुत बड़ा इंडिया का नंबर 1 प्लेटफॉर्म है। ये सरकारी से गैर सरकारी तक का यहाँ पर सर्विस आपको मिल जाता है, सभी सर्विस A to Z सर्विस आपको इसमें मिलता है। मैं फिर से बता दूं, ये इंडिया का नंबर 1 प्लेटफॉर्म है जो सरकार भी इसको सपोर्ट करता है। आप देखे होंगे हमारे पीएम मोदी जी ने बहुत बार सीएससी का बहुत सारे जगह में इसका नाम किया है, इसका मतलब जो पोजीशन है वो बताया गया है। तो ऐसा कुछ नहीं है, सीएससी एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म है जिसमें आप महीनों के 10,000, 15,000, 20,000 तक या उससे भी ज़्यादा कमा सकते हो। और जो वैल्यू बताता है कि सीएससी बेकार है, सीएससी में कुछ नहीं है, तो उनको मैं बता दूं, देखिए वो लोग क्या क्या है। सिर्फ ऑनलाइन जाके अपना सीएससी ID रजिस्ट्रेशन करके बस आईडी मिल गया है और कुछ काम ही नहीं किया है। उसका सेंटर है कि नहीं वो भी पता नहीं, अगर सेंटर है भी तो उसने कुछ ट्रिक्स नहीं लगाया है कि उसका इनकम बढ़े। तो इस वीडियो में वो भी बताएंगे आपको कि अगर आपका इनकम नहीं हो रहा है तो क्या करना चाहिए कि आपका सीएससी से, सिर्फ सीएससी से पर डे 200, 500 या 1,000 रुपया गारंटी निकल ही जाएगा। जी हाँ, तो कुछ बातें बताएंगे, इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। और जो वैल्यू बताता है कि पर डे 2,000 इनकम हो जाता है, तो वो गलत नहीं बता रहा है, सही बता रहा है। बहुत सारा ऐसा वैल्यू है जिसका 0 इनकम होता है, बहुत सारा ऐसा वैल्यू है जिसका 1,000ों का इनकम होता है। तो डिफरेंट क्या है इसमें, चलिए मैं आपको बता दूँ। सबसे पहले तो उन वैल्यू को बता दूँ जिसका इनकम नहीं हो रहा, उसने सिर्फ आईडी लेके बैठा है, उसका प्रचार वगैरह कुछ भी नहीं किया है। ठीक है, प्रचार वगैरह बोले तो देखिए, आपके गांव में अगर आपने सीएससी ID लिया है तो गांव को लोगों को पता होना चाहिए कि आपके पास इतना सर्विस अवेलेबल है। तो वो सर्विस अवेलेबल, उतना सर्विस आपके पास है तो वो लोगों तक तो कैसे पहुंचाओगे, वो भी इस वीडियो में बता देंगे। तो लोगों को पहले पता होना चाहिए कि आपके सेंटर में ये काम होता है, तब जाके आपके पास कस्टमर आएगा, तब जाके उन सर्विस का लाभ उठा पाएगा। तो ये तो एक बहुत बड़ा पॉइंट हो गया कि आपके पास सीएससी ID है, आपके दोस्त वगैरह जानता है, आपका जो करीबी दोस्त है वो लोग जानते होंगे कि आपके पास सीएससी ID है, ये काम होता है, लेकिन आम लोगों तक आपको उसका जानकारी देना होगा, तब जाके आपका इनकम बढ़ेगा। तो इसके लिए मैं कुछ बताना चाहूँगा, आप यहाँ पर आ जाइएगा, गूगल में सर्च कर लीजिएगा एनी टाइम टिप्स। जैसे सर्च करोगे तो सबसे पहला वेबसाइट आएगा, उसमें क्लिक कर देना। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक पोस्ट मिल जाएगा आपको, या फिर इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। यहाँ देखिए, यही वाला लिंक, महीना में कितना इनकम होगा सीएससी में, इसमें आप क्लिक कर दीजिएगा तो ये पोस्ट खुल के आ जाएगा। तो यहाँ पर कुछ आपको पोस्टर डाउनलोड दिया है, ठीक है, जैसे कि इस पोस्टर में देख सकते हो उसने अपना सेंटर कितना बेहतरीन तरीके से सजाया है, आप इसे देख सकते हो। देखिए, इस बैनर में जो दिया गया है, इसमें पोस्टर एक दिया गया है, इस पोस्टर में देखो कितना बेहतरीन तरीका, कितना बेहतरीन से सजाया गया है। कोई भी कस्टमर इस सेंटर से वापस नहीं आ सकता है क्योंकि उतना सर्विस इसमें उपलब्ध है, और ये ज़्यादा दूर का नहीं, मेरे इलाके का ही है। तो अब यहाँ देखिए, कुछ पोस्टर हम लगा के रखे हैं। देखिए, सबसे पहला काम, अगर आपके पास सीएससी सेंटर है, आपके पास सीएससी ID है, तब अपने सेंटर में ये पोस्टर जरूर लगाइए। और ये देखिए, ये पोस्टर अलग अलग स्टेट में अलग अलग पोस्टर होता है, यहाँ पर आप क्लिक कीजिए, यहाँ पर देखिए ऑल स्टेट सीएससी पोस्टर बैनर डाउनलोड, यहाँ पर क्लिक कीजिएगा तो ऑफिशियल साइट में आओगे। यहाँ पर देखिए, आप बिहार से हो तो बिहार वाला डाउनलोड कीजिएगा, आसाम से हो तो आसाम वाला डाउनलोड कीजिएगा, झारखंड से हो तो झारखंड का डाउनलोड कीजिएगा। तो जैसे डाउनलोड करोगे उसका वो खुलेगा किस तरह, वो भी आपको दिखा देते हैं। यहाँ पर देखिए, ये जीप फाइल इस तरह से डाउनलोड होगा, इसे अनजीप कर लीजिएगा, और ये हो गया आपका CDR फाइल, इसे आप किसी भी फॉर्मेट में एडिट कर सकते हो। और ये हो गया JPG, इसे ओपन कीजिए, कुछ इस तरह का हाई फाई बैनर डाउनलोड होगा। यहाँ पर थोड़ा हम इमेज इसको रिसाइज किए हैं कुछ इस तरह से। देखिए, सबसे पहले आपका सीएससी ID होगा, फिर आपका आपके स्टेट का लोगो यहाँ पर रहेगा, फिर इस तरह से लिखा हुआ रहेगा जैसे कि
यूपी में जनसेवा केंद्र बोला जाता है, तो जनसेवा केंद्र लिखा गया है। अगर झारखंड के रहने वाले हो तो यहाँ प्रज्ञा केंद्र लिख के आएगा। तो सेम उसी तरह से यहाँ पर देखिए कॉमन सर्विस सेंटर लिखा गया है, और यहाँ एड्रेस वाले ऑप्शन में अपना ग्राम, अपना गांव का नाम, अपना पंचायत, अपना डिस्ट्रिक्ट और स्टेट दे देना है। आप चाहो तो अपना नाम भी यहाँ मेंशन कर सकते हो, और इसे प्रिंट करके अपने सेंटर में लगाना है। तब लोगों को पता चलेगा कि यहाँ पर सीएससी सेंटर है जिसमें बहुत सारी सर्विस होता है। अब चलिए और एक चीज़ दिखा देते हैं आपको। यहाँ पर देखिए अगर आप पीएमजी दिशा में काम करते हो, पीएमजी दिशा आईडी अप्रूव हो गया, तो ये भी बैनर डाउनलोड करें। इसका भी लिंक यहाँ पर देखिए, ऑल स्टेट पीएमजी दिशा बैनर डाउनलोड, यहाँ पर क्लिक कीजिएगा। यही बैनर डाउनलोड होगा, यहाँ पर अपना स्टेट का लोगो या अपना सेंटर का नाम या अपना सेंटर का एड्रेस देना है, ये भी लगाना है। नीचे स्क्रॉल डाउन करना है, सबसे इम्पोर्टेंट ये रहा, इसको आप राइट क्लिक कीजिएगा और यहाँ पर देखिए सेव इमेज में क्लिक कीजिएगा, तो ये इमेज सेव हो जाएगा। तो इसे आप प्रिंट कीजिएगा। उससे पहले आप यहाँ पर एडिट कर लेना है, अपना सेंटर का नाम ऊपर में देना है, अपना सीएससी आईडी दे देना है, और यहाँ पर देख लीजिए क्या क्या सर्विस यहाँ पर दिखा रहा है। चलिए हम इसे न्यू टैब में ओपन कर देते हैं। इस तरह से सिर्फ इमेज दिखाई देगा। अब इसे हम जूम कर देते हैं थोड़ा सा। यहाँ पर देखिए इसका, इसमें क्या क्या सर्विस लिखा गया है, क्या क्या सर्विस अवेलेबल है इस सेंटर में, वो भी यहाँ लिखा गया है। यहाँ पर देखिए पैन कार्ड, आधार कार्ड, जाहिर सी बात है अगर आपके पास सीएससी सेंटर है तो इतना सारा सर्विस अवेलेबल जरूर होगा। जैसे पैन कार्ड का काम कर सकते हो, आधार का, आधार कार्ड प्रिंट कर सकते हो, आधार कार्ड अपडेट कर सकते हो, अभी तो वो भी ऑनलाइन कर दिया है आधार कार्ड, पासपोर्ट बना सकते हो, जीवन प्रमाण पत्र बना सकते हो, आवास योजना के लिए अप्लाई कर सकते हो, स्मार्ट कार्ड प्रिंट कर सकते हो, प्रिंट मतलब ऑर्डर भी कर सकते हो, प्रिंट करना चाहते हो तो वो भी सीएससी में उपलब्ध है, लेकिन उसके लिए स्मार्ट कार्ड प्रिंटर जो है वो ऑर्डर करना पड़ता है। इलेक्ट्रिसिटी बिल पेमेंट कर सकते हो, मतलब यहाँ जो भी कुछ दिया गया है वो सारा सर्विस सीएससी में उपलब्ध है। तो इसे प्रिंट करके आप अपने सेंटर में लगा सकते हो। अपना सेंटर का एड्रेस नीचे बिठा दीजिएगा, थोड़ा एडिट करना पड़ेगा फोटोशॉप में। अपना सेंटर का नाम प्रिंट कीजिएगा, किसी बैनर प्रिंटर दुकान में जाना है और इसे बैनर बना के प्रिंट करवा लेना है, अपने दुकान में लगाना है। उसके बाद यही अगर आप चाहो तो A4 साइज में प्रिंट करके अपने गांव मोहल्लों में लगवा सकते हो, दुकान वगैरह जहां भीड़ भड़क्का होता है वहां चिपका सकते हो, ताकि लोगों तक ये समझ में, लोगों तक ये पहुंच जाए ये जानकारी कि आपके सेंटर में इतना सर्विस उपलब्ध है, तब जाके आपका इनकम बढ़ने वाला है। साथ में व्हाट्सअप और फेसबुक बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा इसमें। व्हाट्सअप में ग्रुप बनाइए, फेसबुक में भी ग्रुप बनाइए, वहाँ पर अपडेट देते रहिए कि ये काम हो रहा है, ये काम स्टार्ट है, इस काम के लिए ये डॉक्यूमेंट्स चाहिए। तो इस तरह से अपना सेंटर जो है अच्छी तरीके से चलाने का एक ट्रिक्स है। अगर आप सोच रहे हो कि सिर्फ सीसीआईडी ले लिए है ऑटोमेटिक इनकम बढ़ेगा, ऐसा कुछ नहीं है। आपको लोगों तक पहुंचाना चाहिए आपके पास कितना सारा सर्विस अवेलेबल है, कितने सारे सर्टिफिकेट आप उपलब्ध करवा सकते हो। अब चलिए यहाँ फिर से आ जाते हैं। यहाँ पर और एक स्टैंडर्ड बैनर यहाँ लगाया गया है, आप चाहो तो इसे भी डाउनलोड कर सकते हो। इसे हम जूम आउट करते हैं, यहाँ पर जूम कर दिया है बहुत ज़्यादा। यहाँ पर देखिए ये अपने दुकान अपने सेंटर के सामने रख सकते हो, इसे पर्दे निकाल के रख दो सेंटर के बाहर, फिर पर्दे भर दो, रात में जब दुकान बढ़ाओगे बंद करोगे उस टाइम अपने दुकान के अंदर भर दो, फिर जब खोलोगे तो उस टाइम बाहर में रख दो। तो इस तरह से एक बैनर बनेगा, नीचे एक प्लेट रहता है इसमें, वो भी प्लेट आप अपने किसी भी लोहे या लकड़ी से बना सकते हो, इस तरह से खड़ा कर देना है। तो ये सब स्टैंडर्ड चीज़ है, लोगों को समझ में आएगा कि इतना सर्विस आपके सेंटर में अवेलेबल है, तो कस्टमर जो है ऑटोमेटिक आपके सेंटर में आते रहेगा। हाँ, बीच में और एक चीज़ बता देना चाहते हैं, नेक्स्ट वीडियो में आपको ये भी बताएंगे कि सीएससी में कौन कौन ऐसा सर्विस है जिसमें आप अच्छी खासी कमाई कर सकते हो, चाहे आप गाँव के रहने वाले हो या फिर आप किसी शहर इलाके के रहने वाले हो, आप अच्छा खासा इनकम कर सकते हो। तो ये बात तो हो गया उन वेली भाइयों के लिए जो सिर्फ आईडी लेके बैठा है और बोलता है इनकम नहीं है। अब बात करते हैं उन वेली भाइयों के लिए जो बोलता है डेली 1,000 रुपया 2,000 कमा लेते हैं, तो सही में वो कमा लेता है। जहाँ तक मेरा बात है, मैं बताऊँ तो सीएससी से लगभग 400-500 डेली निकल ही जाता है, कुछ ना कुछ आवेदन आ ही जाता है, जैसे जाति, निवासी आय, पैन कार्ड, पासपोर्ट, बिजली बिल, साथ में मोबाइल रिचार्ज वगैरह, बहुत सारा ऐसा सर्विस है। साथ में प्रीमियम, ये LIC प्रीमियम भी अभी अच्छा खासा चल रहा है, LIC प्रीमियम भी यहाँ से जमा हो जाता है। पीएम किसान अप्लाई कर देते हैं, पीएम किसान में भी 50 रुपया करके दे देता है, खुद से दे देता है। तो ये सारा सर्विस, बहुत सारा सर्विस है, आप इन सारे सर्विस में काम कर अच्छी खासी कमा सकते हो। साथ में इंश्योरेंस, इंश्योरेंस तो पर डे एक ना दो होना ही है, तो उनमें से 150-200 निकल ही जाता है। तो बहुत सारा सर्विस ऐसा है सीएससी में
कि आपको 1,000 रुपया पर डे इनकम दे देगा, लेकिन आपको अपना सेंटर के बारे में लोगों तक जानकारी देना होगा, तभी जाके आपका इनकम बढ़ेगा। अगर आप ऐसे जगह है जहाँ पर ना ही कोई जाता है ना आता है, वैसे जगह है तो हो सकता है थोड़ा मुश्किल होगा, लेकिन वैसे जगह में सेंटर चलना थोड़ा मुश्किल है, इसलिए आप अपना सेंटर भी देखिए, कुछ अच्छे तरह से कुछ अच्छी जगह लगाना चाहिए और सेंटर का लुक भी थोड़ा बढ़िया देना चाहिए, ताकि लोगों को देखने में मज़ा आ जाए कि चलो यार ये एक अच्छा सेंटर देखने को मिलता है। वो सारा काम शायद हो सकता है, शायद क्या सीसी सेंटर एक ऐसा सेंटर है जो ढेर सारा काम यहाँ पर हो जाता है। तो फाइनली इस वीडियो में बताएं तो जो बोलता है कि सीएससी सेंटर में कुछ नहीं है, तो वो तो उसके बात में ना आए, उसके चक्कर में ना पड़े। मैं इसलिए यहाँ बोल के रखा हूँ कि झांसे में ना रहे। अगर कोई बता रहा है कि सीएससी सेंटर में कुछ नहीं है, तो वो एक झांसा है। सीएससी सेंटर में बहुत कुछ है, लेकिन आपको उसको चलाना आना चाहिए, ठीक है। एक बार अपना सेंटर किसी तरह पॉपुलर कर लो, फिर उसके बाद देखिए आपका ऑटोमेटिक इनकम जो है बढ़ते रहेगा। और अभी तो आपको ये भी शायद पता होगा कि सीएससी में अभी आधार का अपडेट काम दे दिया है, बहुत सारे स्टेट में दे दिया गया है, बहुत सारे वेली काम भी कर रहा है। अगर आप अच्छा खासा काम करते हो तो होगा क्या, आपको भी आधार सेंटर मिलेगा। और आने वाले टाइम में ये भी हो सकता है कि नया आधार सीएससी सेंटर से ही बनना स्टार्ट हो जाए, तो उस टाइम तो और ज़्यादा इनकम होगा। तो इस वीडियो को मैं इसलिए लेके आया था, मैं अपने व्हाट्सएप ग्रुप में देखा था कुछ दिन पहले कि सीएससी सेंटर बेकार है, कुछ इनकम नहीं होता है। साथ में YouTube में भी कभी कभी देखते हैं, कमेंट बॉक्स में आ जाता है कि क्या जो मन सो बताते हो, सीएससी सेंटर में कुछ इनकम अगर है नहीं, लोगों को फंसाते हो, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आपको लगता है कि मैं सही बोला, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, साथ में यहाँ पर विजिट कीजिएगा और ये सारा बैनर डाउनलोड करके अपने सेंटर में ज़रूर लगाइएगा। और फेसबुक और व्हाट्सएप ग्रुप ज़रूर बनाइएगा, और अपना जो भी सर्विस है उन सर्विस के बारे में जानकारी देते रहिएगा, ताकि लोगों तक तो ये जानकारी पहुंचे और आपका इनकम बढ़े। तो इस वीडियो में यही था, उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा, और वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करके जाना, साथ में चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा। मिलते फिर एक नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए टाटा।